अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजाद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सजाद बाइक रिपेयरिंग। मैं आज आपको आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो है इंजन ऑयल के मालूमाती। इसके बारे में हमें आज आपको इंजन ऑयल के बारे में बताएंगे कि जो एटलस होंडा की कॉपी हो रही है या ओरिजिनल है वो मार्केट में जो लॉन्च हो रहा है इस वक्त, हम आपको उसके बारे में मालूम देंगे क्या वाकई ये असल ऑयल है या कॉपी है इसकी या बिल्कुल नॉर्मल है ये। तो हम आज आपको ऑयल के बारे में बताएंगे, किसी भाई के साथ कोई धोखा फ्रेम ना हो कि असल के पैसे देकर नकल लेके आए, ठीक है ना। आज हम आप सिर्फ और सिर्फ होंडा एटलस के बारे में आपको बताएंगे और किसी कंपनी के बारे में हम आपको मालूमात नहीं देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ऑयल के बारे में भी आपको हम बताएँगे, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एटलस का ऑयल, ठीक है ना। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कंपनी का ऑयल है, ठीक है। जो कंपनी दे रही है ये वो ऑयल है, ये दूसरा मार्केट वाला ऑयल नहीं है। जो मार्केट वाला ऑयल होता है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे। ये वीडियो के लास्ट और एंड में हम आपको बताएंगे कि इसके चेक करने का तरीका क्या है और इसका फ़ायदा क्या होगा। ये हम आप सब लोगों को, भाइयों को, दोस्तों को बताएँगे कि आप इस धोखे फ्रेब से बचें और दो नंबर ऑयल के धोखे में ना आ जाए, ठीक है। हम अब आपको इसके बारे में ये बताएंगे कि इसका जो लेबल है चेक करने का वो किस तरह चेक किया जाता है और आपको किस तरह मालूमात होगी इसको चेक करने की। चलो आए, अब हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि आप भाइयों ने इसको किस तरह चेक करना है। कोई भाई भी मार्केट से ऑयल खरीदता है तो आप वहीं पर इसको चेक कर सकते हैं, आप धोखे फ्रेम से बच सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ये देखें, ये लेबल है कंपनी का, ठीक है, ये लोकल नहीं है। ये देखें सिर्फ, ये सब कुछ इसमें कॉपी भी हो रही है, लेकिन आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि आप कॉपी है या नहीं आप इसको चेक करें। ये आप देखें इधर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हो इधर कुछ भी नहीं है। अगर अब हमने इसको करना है स्क्रैच कैसे करना है, अब हम आपको ये बताएंगे कि स्क्रैच इस तरह करते हैं। अब ये कोई भी आप सिक्का लें या कोई चीज़ भी किसी चीज से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी इजीली हो सकता है ये स्क्रैच। अभी आप भाइयों ने देखना है कि ये देखें, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब स्क्रैच के बाद ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जेन्युइन, और जिसके अंदर स्क्रैच करने के बाद जेन्युइन लिखा होगा भाइयों वो होगा ओरिजिनल। जिसके ऊपर भी जेन्युइन लिखा हुआ है स्क्रैचेस के अलावा भी वो भी कॉपी होगी इसकी, ठीक है। तो अगर स्क्रैच करने से पहले जेन्युइन लिखा हो तो वह आप फिर भी समझ जाए कि ये कॉपी है इसकी, क्योंकि स्क्रैचेस सिर्फ जो है ना ये कंपनी ने ये सिस्टम दिया हुआ और किसी के पास अभी तक स्क्रैच वाला सिस्टम नहीं है। तो मार्केट में अब ये रीफिल वाले डिब्बे में आ रहे हैं सेम इसी तरह के, तो आप धोखे फ्रेब से बच सकते हैं बिल्कुल। ये किसी जिनको नहीं पता उनको नहीं पता चल सकता कि ओरिजिनल है या दो नंबर है कॉपी है। चलो अगर आपको ये वीडियो ज़रूर मालूमात की लगी है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप सब दोस्तों से गुजारिश है हमारी, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।